One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. यहाँ पे शशि ग्रेटर नोएडा में रंगदारी और इस तरह के काफ़ी मामले सामने आते थे एक्सटॉर्शन से रिलेटेड, तो यहाँ पे कुछ महीना पहले एंटी एक्सटॉर्शन सेल का गठन किया गया था जिसका टोटल टास्क सिर्फ यही था कि रंगदारी लूट और अपराध जो ग्रेटर नोएडा में हो रहा है उनके ऊपर काम किया जा सके। और इसमें हमें बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि पिछले दो महीने में इस एंटी एक्सटॉर्शन सेल द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए गए हैं। 13 लाख की एक लूट थी जेवर में, उसका वर्कआउट किया गया है। अभी एक बहुत बड़ा कार लुटेरों का गैंग पकड़ा गया है जिससे 4 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं और बहुत सारी ग्रेटर नोएडा के घर लूट घटनाएं वर्कआउट हुई है। यहाँ के साप्ताहिक बैठों में अवैध वसूली की जाती थी, उसमें 2 गैंग्स को पकड़ा गया था। उसके अलावा रंगदारी के 4 ऐसे मामले थे जो विभिन्न उद्योगपतियों से और फैक्ट्री ओनर से यहाँ पे किए जाते थे, उनको पकड़ा गया है। उसके अलावा 2 5,000 के नामी थे जो 2-3 साल से वांछित चल रहे थे, उनको भी इस गैंग द्वारा पकड़ा गया है। रंगदारी की जितनी घटनाएं सामने आ रही है उनमें मैक्सिमम 1-1, 2-3 दिन के अंदर उन क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। एंटी एक्सट्रैक्शन टीम की अगुवाई कौन करता था, मतलब कौन करता है और ये किसको सीधे रिपोर्ट करता है? ये बेसिकली एंटी एक्सटॉर्शन सेल मुझे रिपोर्ट करता है। सब इंस्पेक्टर अजय शर्मा है जो इस समय सचिव प्रोटेक्ट वन भी है, वही इस विंग को हैंड कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम के द्वारा इतने सारे काम हैं उनके और उनकी टीम के द्वारा किए हैं।